डियर स्टूडेंट दिस इज प्रवीण कुमार झा वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ राइट वे सेमेस्टर थ्री की आज आपकी है क्लास नंबर वन मेक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर वन है आप सबसे पहले लिखिए मेक्रो एंड देन क्लास नंबर वन सेमेस्टर थ्री मैक्रो एंड क्लास वन क्लास नंबर फर्स्ट राइट मैक्रो का पूरा सिलेबस आपका तीन यूनिट्स में डिवाइडेड है लेकिन आज सिलेबस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आज को एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिलेबस के डिस्कशन के लिए अलग से क्लास रखेंगे लेकिन आज एब्सोल्युटली पहली क्लास है तो एक टॉपिक डिसाइड करेंगे टॉपिक पढ़ाएंगे आज कोई ठीक है जी मैक्रो मैंने पहले क्यों स्टार्ट किया है क्योंकि मैक्रो आपका सेमेस्टर टू के मैक्रो से इन कंटिन्यूएशन है तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट लगेगा वैसे मैक्रो एंड माइक्रो में मैं कोई डिफरेंस नहीं करता हूँ माइक्रो भी स्टार्ट करना है मैक्रो भी कुछ क्लासेज में ले लेता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं इसको कवर कर लेता हूँ एक यूनिट तक या कुछ क्लासेस तक उसके बाद फिर इसको पॉज करके फिर माइक्रो स्टार्ट कर लेंगे proceed, बस। ऐसे हम चलते रहेंगे आज की क्लास में क्या करेंगे थोड़ा प्लानिंग करते हैं क्या करेंगे आज देखिए यह आपका सेमेस्टर टू है ये आपका सेम थ्री है यहां भी मैक्रो था और यहां भी मैक्रो है फर्क क्या है यहां पे इंट्रो लेवल था यहां पे इंटरमीडिएट लेवल है दोनों तो में ये फर्क इंट्रो लेवल पे जो आपका लास्ट में यूनिट थर्ड एंड फोर्थ था वो इनकम स्पेंडिंग वाई क्वेश्चन टू ए डी आई एस एल एम मॉडल एंड पिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये था आपका और जो यहां पे सेमेस्टर थ्री में है उसकी कहानी यहां से स्टार्ट होती कहाँ सर ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है ये आपका एग्रीगेट डिमांड है और ये जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये आउटपुट कहानी यहां से स्टार्ट होती है मतलब यहां से क्या कहानी स्टार्ट होगी सर यहां से बातें आगे बढ़ेगी एग्रिकेट सप्लाई में शिफ्ट होगा तो क्या होगा एडी में शिफ्ट होगा तो क्या होगा किस वजह से शिफ्ट हो सकता है क्या क्या फैक्टर्स है बहुत बातें होंगी यहां से देखिए मैं क्या देख रहा हूं कि अगर देखा जाए ढंग से सेमेस्टर टू एंड सेमेस्टर थ्री के बीच में कुछ टॉपिक हैं जिसको कि हम सिक्स और सेवन क्लासेस में कवर करेंगे जिससे क्या होगा कि सेमेस्टर टू के लास्ट टॉपिक का थोड़ा जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा और सेमेस्टर थ्री की ढंग से स्टार्टिंग भी हो जाएगी इससे क्या होगा कि आप सेमेस्टर टू से सेमेस्टर थ्री में एक आपका स्मूथ ट्रांजिशन भी हो पाएगा अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे सेमेस्टर थ्री स्टार्ट करते हैं उसकी रीडिंग अलग है सेमेस्टर टू खत्म कर दिया उसकी रीडिंग अलग है सेमेस्टर टू में बच्चे ज़्यादातर किस पे फोकस कर लेते हैं आदत है बच्चों की कॉलेज में भी देखते हैं एक ट्रेंड सा बना हुआ है एम पे और स्टैट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं मेक्रो को थोड़ा अनग्रांटेड कर देते हैं मेक्रो अनग्रांटेड होने से क्या होता है कि लास्ट टाइम में बस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो और बहुत बड़ा सा टॉपिक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट वो मिस कर जाते हैं ज़्यादातर बच्चे कुछ बच्चे तो ऐसे नहीं होते कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूँ और मैं कितना भी चीख चीख के बोल दूँ कि नहीं यार आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो चाहे स्टैट्स पढ़ रहे हो कि मैथ्स पढ़ रहे हो वो सब कुछ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स समझना है बच्चे मानते ही नहीं है बच्चे सोचते हैं इकोनॉमिक्स तो वही इलेवन ट्वेल्थ वाला थ्योरी ही होगा ऐसा नहीं है बिल्कुल मैथमेटिकल है लॉजिकल है बहुत बातें हैं कि पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड जो सो इकोनॉमिक ही चलाता है कितने बिजनेस है इकोनॉमिस्ट चलाता है स्टैट्स और मैथ्स पढ़ के नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ के चलाता है स्टैट्स एंड मैथ्स उसमें उसको सपोर्ट करता है तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप इकोनॉमिस्ट बनेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स ही चाहिए समझ तो लीजिए बात को ठीक है जी ठीक है सर तो आपने जो सेमेस्टर टू में गड़बड़ियाँ की है अगर की है तो आपने बहुत कुछ जल्दी जल्दी में पढ़ा है और सेमेस्टर थ्री में अब आपका एकदम से इंटरमीडिएट लेवल होगा एकदम से हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी मैं इस तकलीफ को और इस दर्द को समझता हूं आई अंडरस्टैंड द पेन तो मैं क्या करूंगा इसके लिए कि मैं एक स्मूथ ट्रांजिशन करूंगा बच्चे तो गलती करते ही है तो क्या करूंगा मैं आपके लिए छह सात क्लासेज मैं रखूंगा जो ना तो सेमेस्टर टू है ना सेमेस्टर थ्री है इन बिटवीन है एक ब्रिज है जो आपको स्मूथ ट्रांजिशन करवाएगा थोड़ा सेमेस्टर टू के लास्ट के टॉपिक थोड़ा सेमेस्टर थ्री के बिगिनिंग के टॉपिक दोनों को मिला देंगे और एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन होगा ये सात क्लासेस के बाद मैं ये कहना स्टार्ट कर दूंगा कि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना एग्जाम में आएगा लेकिन जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में जो आएंगे उसको समझने में हेल्प करेगा आप समझ गए यहाँ तक जल्दी बताइए मान गए जी बताइए बच्चे मान गए यस नो यस सर मान गए आप क्या मानते हैं ऐसा मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या मानते हैं आप एकदम एब्सोल्युटली सेमेस्टर थ्री के कोई एक टॉपिक लेकर स्टार्ट कर दे आप समझते हैं कि नहीं समझते उससे फर्क नहीं पड़ता मैं स्टार्ट कर दूं क्या मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहिए क्या बोलते हैं आप जल्दी कमा स्मूथ ट्रांजिशन करना राइट right, सर तो क्या होने वाला है सर अगर सेमेस्टर थ्री की स्टार्टिंग यहां से हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई डिमांड से तो इसका मतलब सेमेस्टर थ्री में आपको क्या जरूरत पड़ेगा जरूरत पड़ेगा डेरिवेशन ऑफ आप कहीं कहीं लिख सकते हो डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड और क्या डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई जहां तक डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड का सवाल है ये तो आपके सिलेबस में सेमेस्टर थ्री में नहीं है ये ऑलरेडी सेमेस्टर टू में आपने पढ़ रखा होगा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं अभी हल्का सा इसको ड्राइव करेंगे यहां पे लेकिन ये एब्सोल्युटली सेमेस्टर थ्री का पार्ट है डेरीवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई जब ये दोनों में समझ जाएंगे तब तो फिर जनरल इक्विलिब्रियम निकलेगा और फिर जब इसमें कोई चेंजेज आएंगे अगर एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा तो प्राइस में चेंज आएगा प्राइस में चेंज को हम क्या बोलते हैं पी वन से पी टू को इसको इन्फ्लेशन कहते हैं इन्फ्लेशन भी दो तरह का होता है एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ये सब बातें अलग यूनिट्स में है वहाँ पढ़ाएंगे इसको देखना ना, इस यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपका सेमेस्टर टी में यूनिट वन में सब कुछ है और जब यूनिट वन कवर होगा तो फिर इन्फ्लेशन स्टार्ट होगा यूनिट टू के लिए अभी आप बस लिखते जाइए समझते जाइए आपके पास सारे क्लास में नोट्स हम लिखाएंगे भी बहुत सारी बातें क्लास में होगी धीरे धीरे करके होगी सब कुछ आइए सर अगर एग्रीगेट डिमांड का मुझे डेरिवेशन करना है तो कैसे करेंगे देखिए जी अगर मैं मार्केट की बात करूं ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात करूं ओवरऑल इक्विलिब्रियम जिसको जनरल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं ये तब होगा जब तीन मार्केट में इक्लेबरियम होगा एक कौन सा मार्केट है बोल सकते हो जल्दी से बताइए प्रोडक्ट मार्केट दूसरा क्या बच्चे बोलो मनी मार्केट और तीसरा क्या है लेबर मार्केट प्रोडक्ट मार्केट को आप इस तरह से बोल सकते गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं अगर इन तीनों मार्केट में एक साथ इक्लेबरियम आया तो आप क्या कह क्या क्या सकते हैं जनरल कह क्या 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 सकते हैं प्रोडक्ट मार्केट में इक्लेबरियम को हम किसके हेल्प से समझते हैं आई एस कव के हेल्प से आई एस कव की हेल्प से अभी पढ़ाएंगे आपको आपने पढ़ भी रखा होगा समझते आई इक्वस टू क्या होना चाहिए एस होना चाहिए या आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एस स्टैंड फॉर सेविंग्स लेकिन आई को आप क्या कह सकते हैं इनकम भी कह सकते हैं एक्स को स्पेंडिंग भी कह सकते हैं दोनों तो तरीके से या तो इसको मान लो इन्वेस्टमेंट इक्वस टू सेविंग और इसी पॉइंट पे क्या होता है इनकम इक्वस टू स्पेंडिंग इनकम को बोलते हैं वाई स्पेंडिंग को बोलते हैं एडी जब हम आई एस कर्व के पढ़ाएंगे पढ़ के बारे में पढ़ाएंगे तो आई एस कर्व के हर पॉइंट पे क्या होगा कमान क्या होगा आप बोलो जल्दी जल्दी से क्या होगा मेरे साथ साथ बोलना रिकॉर्डिंग मोड पे भी है तो भी आप बोल सकते हैं साथ साथ सर आई एस कर्व जब आप पढ़ाएंगे तो इनकम इक्वस्ट टू स्पेंडिंग होगा या इन्वेस्टमेंट इक्वस्ट टू क्या होगा सेविंग होगा पढ़ाएंगे इसके बारे में मनी मार्केट में क्या होगा मनी मार्केट में होगा लिक्विडिटी इक्वस्ट टू मनी सप्लाई लिक्विडिटी मतलब क्या मनी डिमांड मनी डिमांड को ही लिक्विडिटी कहते हैं इक्वस टू मनी सप्लाई मनी डिमांड इक्वस टू मनी सप्लाई होगा अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये मनी मार्केट के हो गया आई एस एंड एल एम दोनों को जब साथ साथ हम देखेंगे आई एस होगा ये एल एम होगा इनसे आपको मिलेगा वाई इधर मिलेगा इंटरेस्ट और इनसे फिर हम क्या डिराइव करेंगे बता सकते तो क्या डिराइव करेंगे इनसे ड्राइव करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व कर्व ये ड्राइव करेंगे लेकिन जब मैं बात करूंगा कि लेबर मार्केट के बारे में तो लेबर मार्केट से आपको एग्रीगेट सप्लाई मिलेगा लेबर मार्केट से क्या मिलेगा अच्छे जल्दी बताओ क्या मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई कई बच्चों को यह लग रहा होगा जिसने मेहनत किया होगा सेमेस्टर टू में कि सर ये सब तो हम लोगों को आता है अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं स्पीड अप कर सकते हैं दो सौ के स्पीड पर देख के आगे बढ़ जाओ लेकिन ऐसा मत करना कि सबको कर देना जो आपको लगता है कि आपको आता हो उसको ऐसा करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं जब भी किसी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये मान के पढ़ाता हूँ कि बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं है अगर मैं ये मान के पढ़ाऊँ कि बच्चों को आता है तो फिर क्या आता मुझे पहले बता दो मुझे तो कुछ नहीं पता खासकर जब से ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड आया तो मुझे ये मानकर पढ़ाना पड़ता है कि अभी बड़ी जीरो सब कुछ पढ़ाना है तो आता है वो अपने हिसाब से क्लास को कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक है जी ठीक है सर राइट जी ठीक है जी तो लेबर मार्केट से क्या मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा वो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा भी हो सकता है मैंने ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो ड्रॉ कर दिया अब आप में से कोई बता सकता है ये कौन सा एग्रीगेट सप्लाई है सकते हो यह लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या ये उन्होंने तो क्या है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अगर सप्लाई अगर अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई का ऐसा ड्रॉ करूं यह कराएगा क्या बता सकते हो क्या कराएगा समान शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई गए एक्चुअली सप्लाई कप ना लॉन्ग रन का होता है ना शॉर्ट रन का अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये पूरा सप्लाई कप हो सकता है मतलब आप शॉर्ट रन से स्टार्ट करोगे मीडियम रन से लॉन्ग रन में जाओगे ऐसा भी हो सकता है लेकिन सर क्या आप ऐसे लॉन्ग रन सप्लाई कप ड्रॉ कर दोगे तो बात बन जाएगी नहीं ये लॉन्ग रन एग्रिकेट सप्लाई कप किसके द्वारा जीवन होता है बता सकते हो कौन देता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन कौन दिया है इनशियन इकोनॉमिक्स इन्स पढ़ाते ही हैं शॉर्ट रन की बात शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं नाइनटीन थर्टीज में ग्लोबल रिसेशन आया था आपने पढ़ रखा है ना कम और टीस ने नाइनटीन से रिसर्च स्टार्ट किया नाइनटीन थर्टी सिक्स में मॉडल दे दिया क्या मॉडल दिया वाईस टू एटी और फिर शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स मार्केट में आ गया मैंने काफी जम के पढ़ा रखा है में अगर आपको रिवाइज करना हो तो मुझे आप मैसेज करेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको साथ आपको वो पैकेज मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं सेमेस्टर टू के भी कुछ पैकेजेस मिल जाते हैं जिनसे आपको यहाँ पे हेल्प मिलता है व्हाट्सएप करना अगर कोई समस्या होगी तो अदरवाइज जितनी रिविजन की जरूरत है मैं क्लास में यहाँ रिविजन करता रहूंगा तो ये कहानी है अभी आप बस ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाइए जब क्लास में सिलेबस की बात होना स्टार्ट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन की बात तो फिर नोट्स बनना भी स्टार्ट हो जाएगा चिंता नहीं करना अभी आप साथ साथ करते जाइए कोई दिक्कत बताए यहाँ तक कोई दिक्कत है नो no, सर अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे आने वाले क्लासेस में ये एग्रीगेट सप्लाई करके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ये तो आपके सिलेबस का पार्ट अभी उसको रहने देते हैं अभी क्या करते हैं हम लोग अभी एक बात और भी देखते हैं जब मेरे पास ओवरऑल आ जाएगा मान लो सपोज करो कि मेरे पास एग्रीगेट डिमांड कब भी आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई कब भी आ जाएगा ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है तो अगर एग्रीगेट डिमांड में शिफ्टिंग होगा तो क्या फ़र्क पड़ सकता है सकते तो क्या होगा P1 से P2 जाएगा प्राइस राइज करेगा प्राइस राइज को क्या बोलते हैं चेंज इन प्राइस को इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं मैं बोल चुका हूँ और एक बार फिर से बोल दिया मैंने इन्फ्लेशन भी दो तरह के होते हैं एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल इसके बारे में बात आगे चल के क्लासेस में होने वाली है को यहां तक, कोई दिक्कत यहाँ तक हम जल्दी बताइए कोई प्रॉब्लम है नो no, सर अब हम लोग क्या करने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई का डेरिवेशन तो हम बाद में करेंगे अब बात होगी क्या डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये हमारा फाउंडेशन में हम अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फाउंडेशन मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग ठीक है बच्चे तो बात किसकी करने वाले हम लोग डेरिवेशन ऑफ एडी की फेंटास्टिक तो क्या है कि हमने कहा कि अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने टाइम का फाउंडेशन में तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि ये सब बात तो पहले पढ़ रखे हैं राइट जी डेरिवेशन ए में मुझे क्या करना पड़ेगा आप जानते हैं डेरिवेशन ऑफ एडी के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा आई एस कर पढ़ना पड़ेगा और एल एम का पढ़ना पड़ेगा जल्दी से क्योंकि ये सब बात तो सेमेस्टर टू में हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे बात तो आपके सामने करना ही पड़ेगा चलिए आई एस कर्व आया कैसे पहले आईएस कर्व के बारे में बात करते हैं देखिए आईएस कर्व आया है शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स की वजह से शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स से पहले क्या चल रहा था बोल सकते हो लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट था जो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया हुआ था क्लासिकल इकोनॉमिक्स बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया स्टार्टिंग फ्रॉम एडम स्मिथ सेमेस्टर टू में काफी बात हो चुकी है मार्शल थे पीगो थे एडम स्मिथ थे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स से दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन बाद में अचानक से क्या प्रॉब्लम हुआ तो फिर नाइनटीन थर्टीज के बाद से शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स भी आ गए जो कि किन्स के द्वारा पहले क्या हुआ प्रोपोगेट हुआ और उसमें फिर इंप्रूवमेंट होते रहे ये दो टू थाउट प्रोसेस जो है ना साथ साथ चल रहा है लॉन्ग रन का भी जिसको क्लासिकल बोलते हैं बोलते हैं और शॉर्ट रन का भी जिसको किनिशियन बोलते हैं ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को ख़त्म कर दिया नहीं दोनों प्रोसेस दोनों थाउट प्रोसेस साथ साथ चल रहा है क्या कहानी है सर लॉन्ग रन की लॉन्ग रन और शॉर्ट रन बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कई बच्चे समझ नहीं पाते मतो समझना जरूरी है क्या होता है सर देखिए अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो बहुत तो अच्छा रहेगा क्या है लॉन्ग रन सर क्या कहानी लॉन्ग रन में क्या बताने वाले हो थोड़ा सा रिवाइज कर दो हल्का सा मैंने अभी कहा कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स क्या इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है ना वो गिवन है ये Yf है मतलब फुल एंप्लॉयमेंट लेवल है फुल एंप्लॉयमेंट लेवल है फुल एंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है ये अगर सुनोगे ना बच्चे ढंग से तो मजा आ जाएगा मैं कह रहा हूं अगर ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो सेमेस्टर टू के लेक्चर्स आपको मैं उसके एक्सेस दे दूंगा तो वहां से आप छः सात दिन में खूब डिटेल पढ़ सकते हैं अगर आपको क्विक रिविजन चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा अच्छी बात है ये क्लासिकल कहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है मतलब जो हमारा लेबर है कैपिटल है और लेबर और क्या है कैपिटल फुली यूटिलाइज है क्या ये फुली यूटिलाइज है जितना यूज करना चाहिए मुझे मैंने पूरा यूज कर लिया है अपने रिसोर्सेज का अगर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज है तो आउटपुट भी क्या होंगे तमाम तो जल्दी बताओ आउटपुट क्या होंगे माइक ऑन रखोगे तो आपको फायदा होगा अगर रिसोर्सेज इनपुट फैक्टर्स अगर फुली यूटिलाइज है इसका फ़ायदा क्या होगा सॉरी इसका असर क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है मैं नहीं बोलता आप बोलो जल्दी से आउटपुट क्या है मैक्सिमम है क्या बात है सर आउटपुट हमारा मैक्सिमम है अगर फुली यूटिलाइज है आउटपुट हमारा मैक्सिमम है क्या बात है इससे अब आउटपुट नहीं बढ़ सकता है अगर एग्रीगेट डिमांड कब आपके पास है और ये प्राइस डिसाइड हो गया अगर एग्रीगेट डिमांड राइज करता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन एटी वन से एटी टू तो इसका रिपोर्शन क्या होगा बता सकते हो जल्दी बोलो प्राइस राइज मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो प्राइस हमारा वो फ्लेक्सिबल है प्राइस हमारा फ्लेक्सिबल है जैसे डिमांड बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा जैसे डिमांड घटेगा प्राइस घटेगा आउटफुट गिवन है क्लासिकल क्या कहता है गिवन क्या है एग्रीगेट सप्लाई और हमें टू बी डिसाइडेड क्या है क्या डिसाइड करेंगे हम बोलो डाइस बेस्ड ऑन व्हाट बेस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड ये क्लासिकल कहता है क्लासिकल ऐसा क्यों कहता है अब मैं समझाता हूं इस बातों को एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइस क्यों बढ़ जाता है ध्यान देना अगर मान लो पहले एडी वन पे थे आप और बाद में क्या हो गया कि आप एडी टू पे आ गए डिमांड बढ़ गया तो डिमांड के बढ़ने से आपकी आउटपुट तो नहीं बढ़ी ना आउटपुट तो वही का वही है ना सामान तो लेकिन उसी प्राइस पे आप क्या करने लगे डिमांड ज्यादा करने लगे डिमांड कहाँ तक पहुंच गया आप कहा देखो यहां तक यहां तक डिमांड पहुंच गया आप तो इसका मतलब ये क्या हो गया बता सकते हो क्या हो तो गए सामान बच्चे जल्दी से कसम है मत रहो बोलो ये ब्लू क्या हो गया एक्सेस डिमांड हो गया किसने बोला मजा आ गया किसने बोला बोलो ना नाम बोलो मीनू ने नित्या ने बोला आपको लगता होगा सर कितना आसान चीज पढ़ा है सर आप वेट करना मैंने बार बार कहा कि आपको बहुत आसान लगता है आप मेरे को इतना स्पीड में पढ़ लो ना कि क्या समझो दो सौ कर दो उसको स्पीड को एक्सेस डिमांड आप बताइए बच्चे इस एक्सेस डिमांड से क्या होगा डिमांड एक्सेस होगा तो वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे आप दिवाली के टाइम में क्या देखते हो कि मिठाई का दुकान अगर आपका है ना तो दिवाली के टाइम में घर के मेंबर्स भी दुकाने पहुंच जाते हैं ओवर टाइम करने के लिए नहीं जाते बताओ पैकिंग करने के लिए दो चार दिन पाँच दिन फेस्टिवल का टाइम होता है डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो घर के लोग भी पहुंच जाते हैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सेस डिमांड होगा तो कैसे सप्लाई होगा इसका क्योंकि आउटपुट तो मैक्सिमम है लैंड लेबर कैपिटल यूटिलाइज है आप क्या करोगे आप दूसरे के वर्कर्स को तोड़ोगे आप लैंड लेबर कैपिटल सबकी प्राइस बढ़ा दोगे फैक्टर कॉस्ट क्या होगा बताओ क्या होगा इसका इसका रिप्रिकॉशंस तो क्या होगा बोलो ना एक्सेस डिमांड से क्या होगा अपने वेजेस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे वर्कर्स को बाहर से भी तोड़ना पड़ेगा कोई वर्कर का कहीं और काम कर रहा है तो आपके पास क्यों आएगा बताओ क्यों आएगा एक तो अपने वर्कर्स को भी ओवर टाइम करवा, करवाना पड़ेगा ओवर टाइम काम करो तो ज्यादा पैसे दोगे उसको क्योंकि वर्कर्स नॉर्मल टाइम का जो पैसा लेता है ओवर टाइम में ज्यादा लेता है कुल मिलाकर के एक्सेस डिमांड से क्या होगा फैक्टर कॉस्ट क्या होगा बढ़ेगा फैक्टर कॉस्ट के बढ़ने से क्या होगा जल्दी बताओ प्राइस बढ़ जाएगा फैक्टर कॉस्ट के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा फैक्टर कॉस्ट के बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और जब प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा एग्रीगेट डिमांड कर पे क्या होगा मूवमेंट होगा नहीं होगा एग्रीगेट डिमांड पे मूवमेंट होता है प्राइस के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड पे मूवमेंट होगी क्या मूवमेंट होगी कम होगा देखो एक बार तो ऐसा हो गया कि चलो डिमांड बढ़ गया एक बार ऐसा हुआ कि हमने इस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करी तो वर्कर्स को मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े ओवर द पीरियड शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जब जाएंगे हम तो फिर क्या होगा प्राइस बढ़ने लगेगा प्राइस बढ़ने से फिर क्या होगा डिमांड घटेगा और अल्टीमेटली हम यहां पहुंच जाएंगे प्राइस भी यहां पहुंच गया आउटपुट भी अपने पॉइंट पे पहुंच गया क्या ये ट्रांजिशन जो हो रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है बेस्ड ऑन लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या आप समझ पा रहे हैं जल्दी बताओ ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रोवेगेटेड है किसके द्वारा गिवन है ये क्लासिकल नहीं द्वारा क्लासिकल कहता है कि आप शॉर्ट रन में तो डिमांड बढ़ा सकते हो लेकिन लॉन्ग रन में आप आउटपुट नहीं बढ़ा सकते आप यहीं पहुंच जाओ आप यहीं पहुंच जाओगे प्राइस बढ़ गया लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहा है अगर मान लो अगर मान लो मैं इसकी क्लासिकल की बात मान लो एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाए तो क्या अल्टीमेटली प्राइस यहाँ आ जाएगा क्योंकि डिमांड शॉर्टेज डिमांड कम हो रही है तो क्या करेंगे हम फिर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे वेज रेट बढ़ा है प्राइस बढ़ा है लेकिन अगर शॉर्टेज ऑफ डिमांड हो जाए तो केस में क्या होगा लेबर खाली बैठेगा वेज कम करोगे तो प्राइस भी कम होगा इनपुट्स में फैक्टर कॉस्ट में वेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसलिए वेज को मैं लेकर बात कर रहा हूं लेबर का इसका मतलब क्या हुआ क्लासिकल क्या क्या कह रहा है क्लासिकल कह रहा क्लासिकल है क्लासिकल था वेज का बढ़ना और वेज का घटना काफी एक स्मूथ प्रोसेस है क्लासिकल कहता है इसे प्राइस सॉरी वेज को आराम से हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं इसी वजह से प्राइस भी बढ़ जाएगा और प्राइस भी घट जाएगा इसको बोलते हैं हम क्या बता सकते हो क्या बोलते हैं बोलते हैं वेज फ्लेक्सिबिलिटी अगर कहीं खड़ा हो गए कुछ बोलना पड़ जाए ना सेमिनार करना पड़ जाए तो आप बोल सको आप समझा सको दूसरों को ऐसी पढ़ाई करो वेज फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल स्कीम ऑफ थाउट में क्या है क्लासिकल क्या कहता है कि वेज इज क्लास क्लासिकल क्या कहता है वेज फ्लेक्सिबल है लेकिन क्लासिकल के इसी थॉट प्रोसेस को पिकअप कर लिया किसने टेक्नीशियन ने और उसने क्या कहा आप जितना आराम से ये समझते हैं कि वेज को हम बढ़ा सकते हैं ऑफ कोर्स उतने ही आराम से वेज को आप बढ़ा सकते हो लेकिन जितने आराम से आप ये समझते हैं कि वेज को घटा सकते हैं उतने आसानी से आप वेज को रिड्यूस नहीं कर सकते क्या कर सकते बताओ किसी वर्कर्स के वेज को बढ़ाना तो पॉसिबल है क्या घटाना पॉसिबल है बताओ जल्दी से जल्दी बताओ क्यों नहीं बोलते ओ तो सर इतना आसान नहीं होता है अगर वेज को कम करने लगोगे वेज रिजिटिव हो जाता है वेज रिजिटिव ही होता है कम करने में पढ़ा दो बहुत तो अच्छी बात है वर्कर्स को बोलो आपकी आपकी पचास हजार से मैं साठ हज़ार सैलरी कर लूँ बहुत अच्छी बात है तो बोल के देखो कि पचास हज़ार से आपकी सैलरी हम चालीस हज़ार कर रहे हैं क्या करेगा वो तो कब छोड़ देगा आपका काम नहीं करेगा आपके पास राइट सर हाँ तो ये कहते हैं कि किन्स कहते हैं मतलब जब किन्स ने कॉन्सेप्ट दिया तो उसने कहा था कि जितना आसान आप समझते हैं कि वेज फ्लेक्सीबल उतना नहीं है वेज को इंक्रीज करना पॉसिबल है रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं मानते नहीं मानते हैं ठीक है मानते हैं मानते हैं सर तो फिर उसने क्या कहा नाइनटीन के बाद उसने यही कॉन्सेप्ट दिया तो अब क्लासिक सॉरी शॉर्ट रन में क्या कहा शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स क्या हुआ ट्स ने क्या कहा ट्स ने कहा नहीं, नहीं। पहली बात तो आप ये समझो आप अगर ये मानते हो कि आउटपुट मैक्सिमम पे है और हमारे फैक्टर्स फुली यूटिलाइज है तो आपके मानने में कुछ फ्लॉ है कुछ कमी है फैक्टर्स को आप हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज नहीं कर सकते और आउटपुट आपका कभी मैक्सिमम नहीं हो सकता है आउटपुट की क्वांटिटी क्या हो सकती है ऑलवेज बढ़ाई जा सकती है मान गए कमॉन उसने कहा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो मैक्सिमम नहीं है एग्रीगेट सप्लाई जब चाहो तब तो इंक्रीज कर सकते हो और उसने कहा कि प्राइस जो है सो फिक्स है प्राइस फिक्स है इन शॉर्ट रन अगर हम डिमांड बढ़ाएंगे ये एग्रीगेट डिमांड एटी वन से एटी टू जाएगा तो आपका अगर आउटपुट की डिमांड यहाँ वाई वन है आउटपुट की डिमांड वाई टू जाएगी जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो जब तक आप शॉर्ट रन में हैं सुन रहे हो आउटपुट जितना डिमांड करोगे हो पूरा होगा क्योंकि फैक्टर मार्केट्स फुल यूटिलाइज नहीं है फैक्टर इनपुट्स आर नॉट फुट फुल यूटिलाइज फैक्टर इनपुट्स आर नॉट फुली यूटिलाइज अगर फैक्टर inputs fully यूटिलाइज नहीं है ठीक है भाई जितनी डिमांड है करो हमारे <coughs> पास वर्कर्स तो खाली बढ़ा हुआ है आपको आउटपुट बना के देंगे राइट सर लेकिन एक लिमिट के बाद शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स ने या किश ने कभी भी लॉन्ग रन को रिजेक्ट नहीं किया उसने कहा है लॉन्ग रन तो होगा लेकिन जब लॉन्ग रन पे हम पहुंचेंगे तब ना लॉन्ग रन एक्चुअली लॉन्ग रन हमेशा प्लानिंग ही होता है लाइफ जो आपकी और हमारे चलते हैं हमेशा किस में चलते हैं बताओ शॉर्ट रन में लॉन्ग रन तो हमेशा क्या होता है लॉन्ग रन में ही होता है प्लानिंग में ही होता है अगर लॉन्ग रन में पहुंचेंगे तब तो ऐसा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा फिर तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये बात बात की बात है लेकिन किन्स ने इसकी बात नहीं की किन्स ने शॉर्ट रन की बात करी शॉर्ट रन में फैक्टर इनपुट्स फुल यूटिलाइज नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट क्या है स्टेबल है फैक्टर कॉस्ट स्टेबल। फैक्टर कॉस्ट स्टेबल है फैक्टर कॉस्ट स्टेबल है तो प्राइस भी क्या है फिक्स है में। अब प्राइस फिक्स है तो डिमांड करोगे तो आउटपुट बढ़ता जाएगा आउटपुट तो बढ़ता गया यहाँ गिवन क्या है इसमें क्या गिवन है इसने क्या कहा इसने जस्ट उसका उल्टा कहा वहां गिवन क्या था एग्रीगेट सप्लाई गिवन था यहाँ पे गिवन है प्राइस प्राइस फिक्स है एंड टू बी डिसाइड व्हाट एग्रीगेट सप्लाई ये डिसाइड करना है मुझे है। इसका उल्टा है उल्टा क्यों ना हो वो लॉन्ग रन की बात करता है या शॉर्ट रन की बात करता है बताओ तो ज्यादा प्राग्मेटिक कौन है बताओ कौन ज्यादा प्रागमेटिक है ज्यादा प्रैक्टिकल बात कौन कर रहा है समझ जल्दी बताओ शॉर्ट रन लेकिन लॉन्ग रन भी ऐसा नहीं कि हमारे लिए जोरी नहीं है लाइफ हमारे शॉर्ट रन में चलते हैं लेकिन प्लानिंग हम लॉन्ग रन के लिए करते हैं आज हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन है लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज अच्छा करेंगे तो अगला सेमेस्टर अच्छा करेंगे अगला सेमेस्टर क्या है नेक्स्ट सेमेस्टर क्या बताओ लॉन्ग रन है बिल्कुल तो ये कहानी अब यहाँ पे बात आती है कि कनेशियन इकोनॉमी ने शॉर्ट रन की बात करी थी और शॉर्ट रन में उसने क्या कहा था उसने कहा था वाई इक्व टू ए इन्स ने कहा था वाई कॉस्ट एडी, वाई आउटपुट एडी एग्रीगेट डिमांड। अगर वाई एडी से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में उन्होंने क्या कहा था? दर्शकों तो क्या कहता है? इलेवन्थ ट्यून ने पढ़ा होगा इसको। जो जितना ज़्यादा होगा वाई माइनस एडी जो होगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट सारे थॉट प्रोसेस को मैं जोड़ करके एडअप करके लिंक करके आपको सेमेस्टर थ्री तक ले जाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजेशन होगा अगर इसका उल्टा होगा तो वाई माइ इज वॉट लेस देन एडी तो उस उसके इसमें एडी माइनस वाई होगा वो हो, क्या होगा अनप्लैंड इन्वेंट्री डिस इन्वेस्टमेंट आपने जितनी इन्वेंट्री बनाई उससे ज्यादा डिमांड हो गया आप पिछले साल के स्टॉक यूज कर सकते हो अगर पिछले साल के स्टॉक यूज करोगे तो डिस इन्वेस्टमेंट हो गया मानते हो राइट सर पिछले साल के बने हुए स्टॉक इस्तेमाल करोगे तो ये बात किन्स ने कही थी लेकिन किन्स के बातों को और आगे बढ़ाया किसने बढ़ाया तो किसने uh, किस बढ़ाया किन्स की बातों किसने बढ़ाया कॉन्सेप्ट को एक्स ने और आगे बढ़ाया और वाई इक्व टू एडी कॉन्सेप्ट से वो डिराइव करके मुझे क्या दे दिया एक्स ने क्या दिया ये वाई इक्वस टू एडी दिया था लेकिन ने इसी शॉर्ट रन इकोनॉमिक सॉरी एक्स ने इसी शॉर्ट रन इकोनॉमिक को और आगे बढ़ा के आई एस एल एम मॉडल दिया एक्स तो का बहुत बड़ा योगदान है कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें आई एस एल एम मॉडल दिया गए इस स्टोरी को ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखते जाओ स्मूथली या मजे लेते जाओ बिल्कुल आराम से ये मत समझना कि ये एग्जामिनेशन में कोई नोटिस पे पूछा जाएगा बिल्कुल नहीं लेकिन जो एग्जाम में आएगा उसको समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कोई भी न्यूमेरिकल्स करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा राइट सर तो हिक्स के जो आई एस एल मॉडल थे अब हम उधर की तरफ पहुंचेंगे आई एस एल मॉडल थे अब उधर की तरफ पहुंचेंगे सबसे पहले क्या पिकअप करेंगे आई एस कर्व के बारे में बताएंगे बिल्कुल सही बात आई तो एस कर्व के लिए हिक्स ने किसका इस्तेमाल किया वाई इक्वस टू एडी का इस्तेमाल किया मानते मानते हैं बोलो जल्दी से ने आपको क्रॉस भी दिया था आपको याद हो तो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने ये वाई इक्व टू है एक्चुअली क्या होता है बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी या नॉन इको बैकग्राउंड के बच्चे भी इको ऑनर्स करते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको भी ध्यान में रख करके हम ये सब बेसिक्स क्लासेस को रिवाइज़ करते हैं सबको काम आता है सबको काम आता है और सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू के बच्चे तो छोटे ही होते हैं जस्ट कॉलेज में गए होते हैं तो उन वो इतना ज़्यादा समझ भी नहीं पाते कि ईको ऑनर्स का क्या डेप्थ है तो थोड़ा तो 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 हल्के में ले लेते हैं तो इसलिए मुझे रिवीजन करना पड़ता है मेरी कोई आज की बात नहीं मैं कई सालों से देख रहा हूँ इस चीज़ों को क्रीशन क्रॉस है और ये क्या है ये किस एंगल पे होता है फोर्टी फाइव डिग्री पे ये ए डी होता है और ये वाई होता है अब ये इक्विडिस्टेंट होता है देखोगे आप ये इक्विडेंट होता है इसके हर पॉइंट पर वाई कॉस्ट एडी होता है लेकिन एक्चुअली हर पॉइंट पर वाई क्वस्ट एडी होता नहीं है जहां पे एग्रीगेट डिमांड कब होगा जहां कट करेगा वहां होगा जहां कट करेगा वहां होगा हो ये पॉइंट ये पॉइंट देख लिया ये वाई वन हो जाएगा वाई टू हो जाएगा देख लिया इस तरह से एग्रीगेट डिमांड में शिफ्टिंग हुई तो आउटपुट में भी शिफ्टिंग हो रही है और इस किनेशियन क्रॉस के हेल्प से भी हम लोग क्या करेंगे अब सवाल यहाँ उठता है एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट क्यों हुआ एग्रीगेट डिमांड बहुत सारे फैक्टर की वजह से शिफ्ट कर सकता है वही बात होगी आज से कल तक अगली क्लास तक और जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा बहुत सारे फैक्टर है उसमें एक फैक्टर इंटरेस्ट भी है ओ कमान एक फैक्टर क्या है इंटरेस्ट भी है हल्का सा बताता हूँ अगर मान लो इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एडी क्या होगा बढ़ेगा हो। और इंटरेस्ट अगर अगर एडी बढ़ा तो वाई भी बढ़ा इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एडी कम होगा तो वाई कम होगा आपने क्या देखा यहां पे? आई और वाई में कैसा रिलेशन है कमऑन ऐसा है पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है इंटरेस्ट कम हो रहा तो वाई बढ़ रहा है नेगेटिव रिलेशन है मतलब यही अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रखूँ और यहाँ पे इनकम रखूँ तो ऐसा हो जाएगा यही नेगेटिव रिलेशन क्या कहलाता है आई एस क्या सर ऐसे ही पढ़ा दोगे नहीं इसको और डिटेलिंग करेंगे हम चिंता मत करो और बढ़िया से बताएंगे लेकिन मैंने क्विक में समझा दिया आपको कि देखो अगर ए डी आपका शिफ्ट करता है एडी शिफ्ट करने का एक वजह इंटरेस्ट भी होता है इंटरेस्ट के कम होने से डिमांड बढ़ता है और इनकम बढ़ता है देख लो ध्यान से आप ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप ये बताओ आप एक बिजनेसमैन हो इंटरेस्ट कम होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे या उल्टा बोलो हाँ क्या बोल रहे हो हाँ कितनी अच्छी बात है कौन बोल रही है नाम बोलो दोबारा से जल्दी से नित्या बोल रही है। देखो आप यही तो गलती कर, गलती करते हैं बच्चे यहीं पे मिस्टेक होता है आप सोचते हो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे कैसी बात करते हो यार? आप जो इंटरेस्ट ज्यादा होने से आप बैंक में ज्यादा पैसा जमा करोगे ये बात तो सच है और बैंक में ज्यादा जमा करने को क्या आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं बोलो ना क्या है वो सेविंग्स है बैंक में पैसा अगर आप ज्यादा जमा करते हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए वो सेविंग्स है तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या बैंक्स यस देखो बैंक्स दो लोगों को इंटरेस्ट देता है एक बैंक तो इंटरेस्ट देता है सेवर्स को जो तो बैंक का खर्चा है एक्सपेंडिचर है मानते हो बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट टू सेवर्स दैट इंटरेस्ट इज वॉट एक्सपेंडिचर टू द बैंक बैंक का एक्सपेंडिचर है लेकिन बैंक इंटरेस्ट अर्न भी करता है किससे अर्न करता है जो बैंक से लोन लेता है जो लोन लेता है आप बताओ अगर बैंक से आप लोन लेने के लिए गए हो तो क्यों गए हो लोन क्यों लोगे क्या आपको सब्जी खरीदना है बोलो ना बैंक से आप लोन लेते हैं तो सब्जी खरीद नहीं लेते हैं या तो आप घर खरीदोगे या आप कोई बिजनेस बनाओगे ये सब क्या कहलाता है कमॉन बोलो ना इन्वेस्टमेंट कहलाता है तो आप बैंक से लोन कब लोगे जब इंटरेस्ट कम होगा जब इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक से लोन लोगे आप इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक से लोन लेके मार्केट में जाओगे आप कुछ भी परचेज करो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्यों बोलो ना आप घर बनाओगे तो रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ जाएगी आप बिजनेस बनाओगे तो वहां पे भी डिमांड बढ़ेगी कैपिटल गुड्स की बहुत सारी चीज की डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा उसकी आउटपुट भी बढ़ेगी आप अब समझ गए कि सर अगर इंटरेस्ट कम होगा तभी हम बैंक से जाके लोन लेंगे और लोन लेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब बैंक में पैसा जमा करना नहीं होता है बल्कि बैंक से लोन लेके तो बिजनेस तैयार करना कैपिटल मार्केट में लगाना मतलब फर्नीचर मशीनरी प्लांट कुछ खरीदना कुछ बनाना प्रोडक्शन लगाना आन गए यस यस बॉन्ड प्राइस का इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है ये मैंने अपनी क्लासे में समझा रखा है अभी अगर मैं समझाना स्टार्ट करूंगा तो मैं डेविएट कर जाऊंगा लेकिन आने वाले क्लासे में समझाऊंगा मैं चिंता मत करना मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट को समझाने के लिए मुझे बताइए कि आपका एक घर है उसकी कीमत है वन करोड़ रुपया और उस पर आपको पचास हजार का रेंट आता है मान गए मान गए राइट सर अब वो घर की कीमत अचानक से डेढ़ करोड़ रुपया हो गया वन पॉइंट फाइव करोड़ घर की कीमत बढ़ गई लेकिन आपका जो रेंट है वो पचास हजार ही आ रहा है तो बताओ घर के ऊपर आपकी जो रिटर्न हो रही है वो घट रही पड़ रही है रिटर्न बढ़ रही है कैपिटल गेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको रिटर्न कम हो रहा है ये तो समझने की समझने वाली बात है समझो ढंग से बच्चे ओके तो सर कैसी बात कर हो हमारा घर तो एक करोड़ से डेढ़ करोड़ हो गया आप करो कि हमारा रिटर्न कम हो रहा है आपको अजीब लगता है ना हाँ अजीब लग रहा है सुनो ध्यान से पहले आप जो पचास हजार की रेंट कमाते थे उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी सामान बोलो ना एक करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी अब अगर आप उस घर को आज बेच दो अगर बेचोगे तो तो कितना रियलाइज होगा 1.5 करोड़ इसका मतलब अब आप आपके कितनी इन्वेस्टमेंट है बताओ तो जल्दी से 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है अब अब उस पे अगर 50000 का इंटरेस्ट मिल रहा है सॉरी रेंट मिल रहा है तो आपका रेंटल इनकम कम हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ हां रेंटल इनकम कम हो गया आपका लेकिन सर फिर भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्यों क्योंकि हमारा पचास लाख रुपए वैल्यू बढ़ गया है अरे बाबा वो पचास लाख की वैल्यू तो तब बढ़ेगी ना जब एक्चुअली घर को आप बेचोगे सेल करोगे कैपिटल गेन तब तक नहीं माना जाता है जब तक आप सेल नहीं करते हो हाँ तो वही बात बॉन्ड के साथ अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा घट जाएगा जैसे घर की प्राइस बढ़ गई तो रेंट क्या हो गया कम हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन रेंट कम हो गया मान गए बोलो जल्दी से यस सर मान गए आप ना बिल्कुल अलग तरीके से सोचना शुरू करो बहुत गलत गलत कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में होता है जो होना चाहिए छोटे बच्चे होते हैं क्यों नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप समझोगे एग्जाम्पल सा तो आप समय में आएगा आपको आपको सर रेंट तो एक्चुअली हम पचास हजार ही कमा रहे तो मेरा कम क्या हो गया भाई रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ है वो तो कम हुआ है रेंट तो उतना ही उतना है आगे बात होगी आगे बात होगी बच्चे आगे बात होगी वो टाइम अभी मेरे पास आगे बात करेंगे इसके बारे में ऐसे ही आई का रिलेशन है कि इंटरेस्ट कम होगा तो हमारी आउटपुट बढ़ेगी इंटरेस्ट कम होगा तो आउटपुट बढ़ेगी लेकिन आउटपुट वाया किसके थ्रू बढ़ती है इंटरेस्ट के कम होने से आउटपुट बढ़ती तो वाया किसके थ्रू वाया इन्वेस्टमेंट बच्चे कमॉन राइट सर अब हम क्या करेंगे अब आपको समझाते हैं कि y इक्व टू एडी तो है लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे ए डी बना बताते हैं क्या होता है सकते है सी प्लस आई प्लस ई प्लस कमॉन एनएक्स जल्दी बताइए सी क्या है, e है यहाँ पे बोलो कंजम्पन आई क्या है इन्वेस्टमेंट जी क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एनएक्स क्या है नेट एक्सपोर्ट और ये क्या शो करता है ये शो करता है क्या हाँ तो, एनएक्स तो तभी होगा जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगा एनएक्स तभी होगा जब क्लोज इकोनॉमी होगा आन गए आन गए सर कंजम्पशन किसके द्वारा होता है हाउस होल्ड के द्वारा इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा फॉर्म के द्वारा ई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा एनएक्स फॉरन मार्केट ओपन मार्केट ठीक है ना ये कहानी है अब क्या हो गया कि अगर आगे आपने देखा होगा कि मैं अगर इसको और डिराइव करूं तो सेमेस्टर टू मैंने क्या किया था सी के बदले क्या लिखा था सी के बदले दिया था सी वाई डी याद है और मैंने कहा था कि आई को करो आई बार ई को करो जी बार और प्लस एनएक्स को करो एनएक्स बार लेकिन अब क्या होने वाला है अब यहां पे इन्वेस्टमेंट को भी हम आई बार नहीं करेंगे ऑटोनोमस नहीं मानेंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ वॉट फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये शो करेंगे कैसे सर इन्वेस्टमेंट आई होता है और ये होता है आई बार माइनस बी आई देखो बटाफट लिख लिया आई टू आई बार माइनस बी आई क्या है सर ये समझाओ थोड़ा सा आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता होता ही होता है चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए जैसे गवर्नमेंट को ब्रिज बनाने तो बनाने हैं रेलवे ट्रैक्स बनाने तो बनाने हैं हॉस्पिटल ब्रांड तो बनाने हैं स्कूल ब्रांड तो बनाने हैं ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो होते ही होते हैं तो रोक नहीं सकते आप वो होते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं इंड्यूस्ड ये इन्वेस्टमेंट क्या होगा इंड्यूस्ड इंटरेस्ट इंड्यूस्ड यहां पे बी क्या होता है बी होता है रेस्पॉन्सिबनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट स्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टूअर्ड्स इंटरेस्ट इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं बी को बी इज इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बी इज इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मान बच्चे कमवान जल्दी से यहां माइनस साइन क्यों लगा हुआ है बताओ क्यों क्यों लगा minus sign? क्यों लगा माइनस साइन हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में और इंटरेस्ट में अपोजिट रिलेशन है इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं ये सब सेकेंड में पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ब्रिथलेसली पढ़ा रहा हूं रुक, रुक नहीं रहा हूं ये होगा ये होगा यहाँ पे क्या इंटरेस्ट होगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है मान गए? मान गए गए सर अगर इंटरेस्ट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बॉन्ड प्राइस का दिया था वो भी सोचना एक बार और बैंक में पैसे जमा करने को सेविंग्स बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं ये भी याद रखना राइट right, सर देख लो वाइस वर्षा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा ना वाइस वर्ष लाइक दैट अगर मैं एक बार फिर से लिखूं आई इक्व टू आई बार माइनस बी आई अगर मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या होगा ये बता सकते हो ये क्या होगा चेंज इन आई बार क्या होगा कम ऑन चेक करता हूँ आपका आई क्यू लेवल आप क्लास में कितना हो चेंज इन आई बार क्या होगा बोलो बच्चे जल्दी से बोलो जी चेंज इन ऑटो जीरो होगा क्या बात है फैंटास्टिक नित्या बताओ जीरो क्यों होगा क्योंकि ऑटोनोमस फिक्स होता है फिक्स बी चेंज इन आई ये क्या होगा चेंज इन आई अगर मैं पूछूं आपको बी क्या होता तो हो है क्या बताओगे चेंज इन आई अपॉन चेंज इन माइनस आई ए माइनस दोनों आई आई एक कैपिटल है स्मॉल है अब यहाँ बी है इंटरेस्ट लास्टिस्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने क्या देखा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक परसेंट चेंज करते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक परसेंट चेंज करूं इन्वेस्टमेंट में दस रुपए का चेंज आ जाए और दूसरा केस लो अगर मैं एक परसेंट चेंज करूं, और ये बीस का चेंज आ जाए तो आप क्या बोलते हो बी ज्यादा ज्यादा कहां पे है बीस वो और यहां बी ज्यादा है मतलब इंटरेस्ट लास्टेस्ट मतलब इंटरेस्ट के बदलने से चेंज होने से लास्टेस्ट सॉरी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है मैं ग्राफ से और ये इंटरेस्ट है देखो दोनों अलग कब देखना यहां चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये है और यहां देखो चेंज इन्वेस्टमेंट ये इंटरेस्ट दोनों का वन ही है आई वन से क्या हो गया आई टू ये रिड्यूस कर गया बताओ चेंज ज्यादा कहाँ हो रहा है चेंज ये हां कहाँ हो रहा है ज्यादा ये ब्लू वाले में या फिर ये रेड वाले में बताओ कहाँ हो रहा है कमान! कहां हो रहा है? रेड वाले में ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेम चेंज हो जाने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फर्क पड़ सकता है इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है ये है क्या स्लोप का फर्क है ये स्लोप का फर्क है डिफरेंस इन स्लोप है अगर मैं इसका स्लोप निकाल जो कैसे निकालूंगा देखो ये इंटरेस्ट यहां पे एक्स एक्सिस पे, पे, पे है। अगर मैं इसको कहूं आई इक्वस टू आई बार माइनस बी आई आप जानते हैं आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा वाई इक्व एम एक्स प्लस लाइन इक्वेशन पढ़ा है ना हाँ तो ये आई तो यहां एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब आई इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म्स में इक्वेशन को दिखाना पड़ेगा तो कैसे दिखाएंगे बताओ दिख जरा जी अगर मैं आई यहां कर दूं, ये क्या हो जाएगा आई बार अपॉन बी अब माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन बी इन टू आई मानते हो कमॉन अब अगर मैं यहां लिखू वाई इक्व टू एम एक्स ये एम एक्स है प्लस सी लिखूं लिख सकता हूं ना यहां एम क्या है बताओ क्या एम यहाँ पे स्लोप है एम यहाँ पे स्लोप है तो वन अपॉन बी यहां पे क्या है स्लोप है यहां इसका मतलब स्लोप इक्व टू क्या हो गया वन अपॉन बी हो गया साइन नेगेटिव हो इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है आप समझ रहे हो ना यार मुझे पता है तो मैथमेटिकली आप स्ट्रॉग होंगे इलेवन ट्वेल्थ की मैथ्स है इसमें कौन सी बड़ी बात होगी मैंने इसलिए चेंज किया इसको कि आई जो था ना सो वाई एक्सिस पे था इसलिए मुझे वाई एक्सिस के हिसाब से लेना पड़ा स्लोप वन बाय हो गया अगर स्लोप वन बाय बी है तो बताओ इट एम्प्लाइज व्हाट बी अगर ज्यादा होगा तो वन बाय बी क्या होगा कम होगा तो ये क्या होगा लेटर होगा मानते हो लेटर होगा ना आपने क्या देखा रेड वाले में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेड वाले में चेंज इन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो बताओ तो यहां पर रेस्पॉ क्या है ज्यादा है? है ना अगर मैं यहां मान लू बी टू और यहां मान लू बी वन आप क्या देख रहे हो आप क्या देख रहे हो बताओ आप देख रहे हो बी टू इज वॉट मोर देन बी वन देख रहे हो देख रहे हो अगर अगर इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बदलाव हो रहा है इसका मतलब क्या है रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा का मतलब कमान क्या है बी ज्यादा है अब बी ज्यादा का मतलब वन बाय बी कम है इसका मतलब ग्राफ क्या है फ्लैटर है क्या बात है ये मजा आ गया क्या बात है फ्लैटर है इसका मतलब फ्लैटर इन्वेस्टमेंट का क्या शो करता है तो क्या शो करता है नित्य फ्लैटर इन्वेस्टमेंट कब क्या शो करता है नहीं बोलोगे इन्वेस्टमेंट मतलब फ्लैटर इन्वेस्टमेंट कब शो करता है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर प्लीज तो मोर क्योंकि स्लोप बनवाई भी कहोगे तो सर क्या ये एग्जाम में आएगा बिल्कुल नहीं आएगा आपके सेमेस्टर थ्री में बिल्कुल नहीं आएगा सेमेस्टर टू में जरूर आता लेकिन सेमेस्टर टू से सेमेस्टर थ्री में जाने के लिए ये सारे रास्ते आपको ले जाने पड़ेंगे मैं कई बार इसलिए बोलता हूँ कई बच्चों को ये लग सकता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं ना ऐसा तो नहीं कि ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं ये जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा वो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं ऑफ कोर्स नहीं मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं बिल्कुल न्याय कर रहा हूँ मैं पहले से बोल चुका हूँ मैं टीचर नहीं हूँ मैं कोच हूँ और कोच की जवाबदेही क्या होती है उनको सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना होता उनको बच्चों को समझाना भी होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करवाना भी होता है बच्चे कर ले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बकवक बक कर दिए कुछ लिख के चले गए बच्चे आवाज कर रहे हैं नॉइज कर रहे हैं लिखा नहीं लिखा पढ़ा नहीं पढ़ा हमारी सैलरी को फिक्स नहीं होती है हमारी सैलरी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है तो मुझे आपको ढंग से समझाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए राइट जी ये कहानी हो गई अब हम लोग क्या करेंगे जब आगे मिलेंगे तो ए डी डिस्क्राइब करेंगे क्या डिस्क्राइब करेंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स और सी के बदले क्या लिखेंगे सी बार प्लस सी वाई डी और आई के बदले क्या लिखेंगे आई बार माइनस वॉट पी आई और जी बार प्लस एल एक्स बार क्या बात है जी मानते हो नहीं मानते हो बोलोगे यस सर बोलते हैं अब आगे क्या करेंगे इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे कैसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको देखते कैसे बढ़ाते देखो आप बताइए वाई डी टू क्या पढ़ रखा आपने वाई डीव टू क्या पढ़ रखा है वाई प्लस टी आर माइनस वैक्स वाई प्लस टी आर को भी क्या मान लो यहां पर ऑटोनोमस टैक्स को क्या मान लो टी वाई को क्या मान लो टी वाई अब यहां पे क्या करो ए डी टू फिर से पुट करो सी बार प्लस सी वाई डी इक्व क्या हो गया वाई प्लस टी आर बार माइनस टी वाई और प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार आपको लगता है मैंने बहुत कुछ कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं किया सब ठीक है आन गए कम ऑन बोलो ना यस सर अगर मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या होगा सी बार प्लस सी वाई प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी वाई प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस, प्लस जी बार प्लस एक्स बार सेकेंड सेमेस्टर में सारा पढ़ा रखा हूँ

हाँ प्लस सी वाई होगा ठीक प्लस सी वाई अब क्या करो यहाँ पे प्लस सी वाई कॉमन ले लो क्या हो जाएगा वन माइनस वन माइनस टी आ जाएगा माइनस बी आई अल्टीमेटली क्या हो गया ए बार प्लस वॉट सी इंटू वन माइनस टी वाई अब माइनस बी आई मान गए अमोन एट इक्बरियम क्या होगा वाई इक्वस टू ए डी होगा वाई इक्वस टू एडी मतलब वाई इक्वस टू ए माइनस सी इंटू वन माइनस टी वाई अब माइनस बी आई अब वाई को एक साथ कर लो वाई प्लस सी वन माइनस टी वाईस टू ए वाराइनस बी आई सर इतना जल्दी क्यों लिखो लिखो आराम से लिखो क्योंकि तो ये सब कुछ करा चुका हूं कहाँ करा चुका हूं इस घर तो कहाँ करा चुका हूँ सेमेस्टर टू में सब कुछ करा चुका हूँ सब कुछ सेमेस्टर टू में करा चुका हूँ लेकिन फिर भी कराऊंगा कुछ भी हो जाए फिर भी कराऊंगा कहाँ चेंज किया मैं चेंज कर दिया कुछ किया चेंज चेंज किया तो कुछ गलत किया होगा देखो क्या करना है प्लस है ना प्लस लो ये प्लस है ना प्लस है तो धरा के माइनस हो जाएगा ये ठीक है हो अब क्या होगा अब वाई को कॉमन ले लो ये क्या हो जाएगा वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी मान गए बोलो ना क्वेश्चन क्या हो गया ए बार माइनस बी आई ए बार माइनस बी आई अब क्या करो वाई को अकेला छोड़ दो वाई इक्व टू क्या हो गया वन अपॉन वन माइनस सी इंटू वन माइनस वन माइनस टी मानते हो हाँ इंटू क्या हो जाएगा इंटू ए बार माइनस बी आई कमान मानते हो इसको और सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हो वन अपॉन वन माइनस सी अपलस सी टी अगर मुश्किल हो तो ये क्या होगा ए बार माइनस बी आई ये वाई इक्व हो गया मान गए बच्चे कमान जल्दी से इसको क्या बोलते हैं बताओ इसको क्या बोलते हैं कर रहा हूं पर कर रहा हूं इसको क्या बोल सकते हैं? बता सकते हो क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लायर है इसको किससे डिनोट करते हैं अल्फा जी से करते हैं अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई क्या बात है फैंटास्टिक क्या बात है जी अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि ये क्या है ये है आई एस इक्वेशन और यहां पे क्या दिख रहा है आपको वाई का बोलो ना आई के साथ रिलेशन दिख रहा है कैसा रिलेशन है कैसा है इनवर्स कैसे पता चला पीछे कौन सी साइन है नेगेटिव साइन है। अगर इसको ग्राफ पे दिखाया जाए ग्राफ पे कैसे दिखेगा अगर मैं यहां इंटरेस्ट रखूं, इनकम रखू डॉन वर्ड स्लोपिंग जाएगा दिस इज कॉल्ड आईएस इक्वेशन मान के बच्चे जल्दी बताओ इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो जैसे मान लो y क्वस्टू क्या आया अल्फा जी ए बार माइनस बी आई आया मान लो ऐसा करता हूँ मैं अल्फा जी ए बार अम माइनस बी वन ले लेता हूँ और दूसरा केस में क्या करता हूँ अल्फा जी ए बार हम माइनस बी आई टू कर देता हूँ दो तो इंटरेस्ट आ गया ना और मैंने क्या किया आई टू इज लेस देन आई वन इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया उस केस में क्या होगा बता सकते क्या हो क्या कनीशियन क्रॉस में क्या होगा ये है वाई इक्व टू एडी कव ये एग्री डिमांड है है ना एग्रीगेट डिमांड आप बता सकते हो अगर इंटरेस्ट कम हुआ है तो क्या होगा इंटरेस्ट के कम होने से एडी बढ़ेगा ना एडी ऊपर शिफ्ट करेगा ये एडी वन है तो ये एडी टू हो जाएगा इसका मतलब एक वाई वन आया एक वाई टू आया इस पॉइंट पे इंटरेस्ट क्या रहा होगा बताओ ए डी वन पे इंटरेस्ट क्या रहा होगा एडी वन पे इंटरेस्ट क्या रहा होगा आई वन टू पे क्या रहा होगा आई टू आई टू इज लेस इसका मतलब हुआ तो अगर नीचे ले जाऊं ये देखो ये देखो ये वाई वन है ये वाई टू है अब यहां पे इंटरेस्ट ये है यहां पे इंटरेस्ट ये है बताओ ये कहाँ लिखू मैं आई वन कहा लिखू आई टू आई वन ऊपर आई टू नीचे और ये लाइन को ज्वाइन कर दूं, ये क्या हो गया आई एस करव क्या बात है सर कैसे ड्रॉ किया मैंने इंटरेस्ट कम हुआ इन्वेस्टमेंट बढ़ा एडी बढ़ा एडी बढ़ा तो वाई बढ़ गया क्या बात है सर बहुत बढ़िया मान गए मान गए यहां तक राइट सर मान गए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्या करेंगे आई एस कर्व को थोड़ा सा और टाइम देंगे उसमें बताएंगे क्या आपको स्लोप फिर क्या बताएंगे शिफ्ट तो बताएंगे और क्या बताएंगे शिफ्ट बताएंगे थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट में हो जाएगा इस आई एस कर्व को पढ़ाने के लिए मैंने दो तीन क्लासे लगा रखा है सेमेस्टर टू में लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी क्योंकि तो रिविजन करना है जिसको डिटेल पढ़ना है मास्टर बनना है अपने फ्रेंड सर्कल्स में थोड़ा ज़्यादा एड स्मार्ट बनना है तो फिर आपको सेमेस्टर टू के लेक्चर्स भी चाहिए जो कि मैं आपको अपने पैकेज के साथ दे सकता हूँ ऑन डिमांड आई एस का कंप्लीट एनमार एल एम की बात करेंगे फिर आई एस एल दोनों मिलाएंगे फिर उसे ए निकालेंगे फिर ए के बारे में कुछ बात करेंगे जब ए ओवर होगा तो ए के बारे में बात करेंगे और जब ए स्टार्ट होगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा बताओ कमांड क्या स्टार्ट हो जाएगा बोलो ना एस स्टार्ट होगा तो आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से अगर आपको कुछ समय में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक छोटा सा ऑडियो बना के भेज सकते हैं या वीडियो बना के भेज सकते हैं या फोटो भेज सकते हैं वहीं पे आपको हमारे पास टाइम होगा तुम तो आपको ऑडियो वहीं पे सॉल्व कर देंगे और आप क्लास में भी आके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं ठीक है से भी रेगुलर होगी अगली क्लास में फिर मिलेंगे गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय एंड सी यू